Welcome back. So, in the module of personal development and human values, today we are going to talk about the communication skill. Samvad, communication, aap sab log jante hain. So, what we will be covering? We will be covering the definition, importance, type, barriers of communication, means of communication, and characteristics of communication. These are the different aspects of communication we will be discussing. So, what is communication? संवाद क्या है? संवाद क्या है? एक दूसरे के बीच में बात करने का तरीका. तो क्या सिर्फ बात करने को संवाद कहते हैं? नहीं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो. जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे कि आप अखबार पढ़ते हैं, वह भी एक तरह का कम्युनिकेशन है. व्हाट्सएप देखते हैं, वह भी एक तरह का कम्युनिकेशन है. यहां तक कि अगर आप कुछ भी फील करते हैं, वह भी एक तरह का कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? कम्युनिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट होता है. सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वह इंपॉर्टेंट है. फैमिली में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है कम्युनिकेशन कहाँ है? वह है ऑर्गेनाइजेशन में. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगी? ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. So, इंपॉर्टेंस क्या हुई इसकी? इसकी इंपॉर्टेंस ये हुई कि कम्युनिकेशन के बिना कोई भी जीवन में कार्य अधूरा है, पूरा नहीं हो पाएगा. अब इसके बाद अब बात करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कि कुछ संवाद करते हैं किसे, तो क्या बैरियर है जिससे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है? मैं बार बार जोर दे रहा हूं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो उसके कुछ बाधाएं हैं ना, उसमें कुछ बैरियर्स हैं. वो क्या हो सकती है? तो सबसे पहला बैरियर है वो है फिजिकल बैरियर. द सेकेंड इज द सिस्टम बैरियर. थर्ड वन इज परसेप्चुअल. देन कम्स नेक्स्ट इज एटीट्यूड. एंड द नेक्स्ट वन इज इमोशनल बैरियर. एंड द नेक्स्ट वन इज कल्चरल बैरियर. द वेरी नेक्स्ट वन इज द लैंग्वेज बैरियर. Then next one is the gender barrier. And the next one is stress barrier. The last one is interpersonal barrier. यानी कि दो जनों के बीच बात करिए फिर भी बैरियर है. क्यों? क्योंकि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है. Now coming to the characteristics of successful communication. What are the different characteristics? We generally give 7 C's. No, don't we. It is given by Francis J. Bergen. Francis J. Bergen has given 7 C's for characteristics of successful communication. The 7 C's are candidness, clarity, completeness, conciseness, concreteness, correctness, and courtesy. These are the 7 C's. So this is all about the communication skill part 1. The next is the non-verbal communication, body language, we will cover in second video.